नंबर वन पेंट ब्रांड। अहम खबर देंगे, आईटी सेक्टर की इनकलाबी सरगर्मियां। पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब के ग्रुप्स का सैफरीकी माहिदा, इन्फोटेक पाकिस्तान, यूएसए और ओबिकन इन्वेस्टमेंट ग्रुप सऊदी अरब शामिल हैं। माहिदा रियास में कॉन्फ्रेंस के दौरान तय पाया, जिससे सेहत के शोबे में इनकलाब बरपा होगा। इकदाम से पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में सरमायाकारी में मजीद बेहतरी का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। जी अदील वड़ाइच, आगाह कीजिएगा इस माहिदे बारे। जी, इस सैफरीकी माहदे का मकसद पाकिस्तान ओबिकन डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स को मुतारिफ कराना, आसानी से इंजमाम करना और आलमी सेहत की देखभाल को बढ़ाना और जिदत के नए दौर का आगाज करना है। और इस इकदाम से पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में सरमायाकारी में मजीद बेहतरी का इम्कान है और ये इसे पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में एक इनकलाबी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके तौर पर देखा जा रहा है। इसमें इन्फोटेक ग्रुप है पाकिस्तान का, वेलेरियन सिस्टम्स कॉरपोरेशन है अमेरिका की और ओबिकन इन्वेस्टमेंट ग्रुप है सऊदी अरब का। इनके दरमियान एक सैफरीकी माहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। ये माहिदा रियाज में लीप 2024 टेक कॉन्फ्रेंस के दौरान तय पाया है, जिससे सेहत की देखभाल की जो आलमी फराहमी में इनकलाब बरपा होगा। इस हाई प्रोफाइल फोरम का जो अहतमाम है ये जो पाकिस्तान की जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक जो एसोसिएशन है उसने किया, जिसके मामलीन में खसूसी सरमायाकारी सहूलत SIFC, वजारत IT और टेलीकॉम और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और रियाज में कायम पाकिस्तानी सफारत खाना शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया अदील बड़ाई, जब हमें आगाह कर रहे थे।